वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत पर जितनी मर्जी तनकीद करे लेकिन रियासत पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, मुल्की इदारों के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था, इमरान खान होश के नाखून लें और अगले साल इलेक्शन का इंतजार करें। मीडिया के ऊपर जो कंटेंट है वो मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने जो आज़ादी राय है उसके ऊपर जो उसकी पाबंदी के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, किसी किस्म की कत्लगन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि मगर इसके साथ साथ जो आज़ादी राय की आज़ादी है उसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी ये आज़ादी है। तो हम सबको चाहिए कि वो बयान, वो चीज़ें, वो इंसाइट वायलेंस करना जो रियासत को कमज़ोर करें, आप हुकूमत पर तनकीद करें जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन जब रियासत को अदारों को कमज़ोर करने की बात आए, अदारे आपसे सवाल पूछे, इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल पूछे तो आप गाली दो। आइन की हिफाजत के लिए अदालतें खुलें, जब तुम चिपटे हुए थे, तुम हमला कर रहे थे आइन पे, तो तुम उसको गाली दो, ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि आप अकल के नाखून लें। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के प्लान को हतमी शक्ल दे